दिन दहाड़े स्वर्ण व्यवसायी को लूटने पहुंचे 6 की संख्या में अपराधी स्थानीय लोगों की सूझबूझ ने बचा दी लूट की बड़ी घटना। दरअसल मामला कुछ यूं हुआ कि स्थानीय लोगों ने उन अपराधियों पर ईंट पत्थर से हमला बोल दिया, जिसके बाद अपराधियों को सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। बताया जाता है कि 6 की संख्या में अपराधी थे और वो 3 बाइक पर सवार होकर हथियार बंद होकर आए हुए थे। तभी स्थानीय लोगों ने अपनी एकजुटता दिखाई और हिम्मत दिखाते हुए उन पर उल्टा हमला कर दिया, जिससे स्वर्ण व्यवसायी बच गया और उन्हें वैरंग वापस भागना पड़ा। दरअसल ये पूरा मामला वहाँ का है जहाँ पर बॉर्डर इलाका लगता है। ये पूरी घटना विजयपुर थाना क्षेत्र के मुशहरी बाजार की है, जहाँ पर स्वर्ण व्यवसायी को अन्न नाक एवं गला की समस्या से है परेशान, तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ENT सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम थावे रोड गोपालगंज। हथियार के बल पर अपराधी लूटने आए थे। अपराधी 6 की संख्या में थे और वहां एकाएक करके भी लोगों की भीड़ उमड़ गई। लोग उस पर हमला कर दिए। कैसे क्या हुआ सुनिए पहले। तो देखिए, आपने पूरा वीडियो देख लिया कि किस तरह से क्या हुआ और ये अपराधी कैसे भाग रहे हैं, यानी लोग उनकी पीछा करने लगे हैं और अपराधियों को वहाँ से भागना पड़ा है। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि मुशहरी बाज़ार पर स्वर्ण व्यवसायी अपना दुकान खोलकर बैठा हुआ था, तभी 6 की संख्या में बाइक पर सवार होकर अपराधी पहुँचते हैं और तवातोड़ वहाँ हथियार के बल पर लूट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन एकाएक वहां भीड़ जमा हो जाती है और लोग उन अपराधियों पर हमला कर देते हैं। ईंट पत्थर से उन पर हमला होता है। अपराधियों को आर्म्स रहते हुए भी उन्हें वहां से छोड़कर सब कुछ भागना पड़ता है। इस हिम्मत पर पुलिस ने भी कहा है कि स्थानीय लोगों की हिम्मत की दाद देते हैं कि उनके द्वारा इस तरह की घटना होने से बचा लिया गया। ऐसे में गोपालगंज के SP स्वर्ण प्रभात ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर ऐसे लोग कहीं भी पाए जाते हैं तो उन पर निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। CCTV के आधार पर भी उन पर कार्रवाई किया जा रहा है। यह पूरा मामला तब का है जब स्वर्ण व्यवसायी दुकान खोलकर अपने दुकान में बैठा हुआ था, तभी उसी दौरान वीडियो में देखिए कि बाइक पर सामने जो है 2 बाइक पर सवार दिख रहे हैं, जो एक पर 3 युवक बैठे दिख रहे हैं, एक पर 2 और एक और बाइक है जो बाद में जाएगा। ये तीनों जो बाइक पर सवार हैं ये हथियार लिए हुए हैं और हथियार के बल पर ये लोग लूट करने आए थे। लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग जो है एकाएक करके हमला कर दिए। हमला करते ही इनको सब कुछ छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि स्वर्ण व्यवसायी की दुकान बच गई, उसे लूट से स्थानीय लोगों ने बचा लिया। वहीं SP ने कहा है कि इस पूरे मामले पर SIT की टीम गठित कर दी गई है और CCTV के आधार पर छापेमारी की जा रही है। इन सभी अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इन्हें न्यायिक हिरासत भेजा जाएगा। ऐसे में उन्होंने बताया कि लंबे समय बाद इस तरह की घटना अपराधियों के द्वारा किए जाने का कोशिश किया गया है। हालांकि उनका प्रयास असफल रहा है, लेकिन पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और उन अपराधियों की तलाश के लिए पुलिस लगी हुई है। वहीं SIT की टीम लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। हालांकि अब तक इसमें गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिली है, लेकिन आखिर ये कौन लोग हैं, किस लिए लूट की घटना को अंजाम देने आए थे, ये पूरा मामला पुलिस जो है खंगाल रही है और जल्द पुलिस ने दावा किया है कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो देखिए कि गोपालगंज में लगातार जो अपराध का ग्राफ है वो गिर रहा है और ये घटना काफ़ी दिन बाद एक इस तरह की घटना सामने आई है, लेकिन पुलिस लगातार इस पर कार्य कर रही है और जल्द उम्मीद है कि उन अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। Facebook पर देख रहे हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।